कर्मा बड़ा ही मैजिकल वर्ड्स है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में कर्मा बुरे हैं जिस वजह से मैं अपनी जिंदगी में सफर कर रहा हूं। क्या आप भी ऐसा फील करते हैं? तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी जिंदगी में भी आपको लगता है आपकी सफरिंग्स बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मास की वजह से हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं गुड कर्मास बैड कर्मास। सो हाउ टू नलिफाई योर बैड कर्मास आज डिस्कस करने वाली हूँ। मैं हूँ रिया, वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। सो मिलियन थैंक्स टू नारायण सर एंड ऑल माय फॉलोवर्स जो मुझे बहुत सारा लव रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं। तो आज बात करेंगे कर्मास की। अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स रिपीट ऑन करते हैं, ये जानते हुए कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये जो एक्शन एंड बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जानते हुए भी हम उसको रिपीट कर जाते हैं? सी यू आर अ रोबोट। अच्छा, ऐसा है कि जी हाँ, आप और हम रोबोट हैं। किसके? आपके ब्रेन में जो मेमोरीज फोल्ड अप हैं, आपके पास्ट कर्मास की, आपके पेरेंट्स के द्वारा एक्शंस किए हुए, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा किए गए एक्शंस की, उनकी एक पूरी स्टोरेज हार्ड डिस्क भरी हुई है आपके ब्रेन में मेमोरीज की, एंड वो मेमोरीज आपसे एक्शंस करवाते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जैसे ही देखता है कि एंगर आ रहा है, वो इमिडिएटली आपको रिकॉल कराता है, वो सारे मेमोरीज ढूंढ के लाता है जब आप एंगर किए, और आपको जस्टिफाई कराता है, यही है मेमोरी में और इसी मेमोरी को तुम्हें कंटिन्यू करना है। इसीलिए तो आपने देखा होगा, अक्सर हम जानते हैं कि रिलेशनशिप में हारमोनी के लिए ईगो को शेड करना जरूरी है, डाउन करना जरूरी है, लेकिन हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी हमको बार बार बताती है कि ईगो करना अच्छा है। पास में भी ईगो किया है आपने, आपके पेरेंट्स ने भी ईगो किया, आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स ने भी ईगो दिखाया है रिलेशनशिप में, तो आप भी इसे दिखाते रहिए और मिस्टेक्स रिपीट करते रहिए। बहुत बार ऐसा ही होता है कि जब हमें पता है कि एंगर नहीं करना चाहिए, एंगर करना गलत बात है, लेकिन हम फिर भी बार बार वो एंगर करते रहते हैं, क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हमने वो एंगर किया होता है, उसकी मेमोरीज हैं, हमारे पेरेंट्स की, हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज हैं जो हमें बताती हैं एंगर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और हम फिर जो नया कर्मा क्रिएट करते हैं वो भी एंगर का ही क्रिएट करते हैं। सो कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है? क्योंकि वासना, कर्म वासना है ये सारा इमोशंस, ये सारे कर्मास, ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स। एंड ऐसा नहीं है कि आज आप अपने पास्ट कर्मास को नलिफाई कर लेंगे तो न्यू कर्मास नहीं। ईच डे वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कर्मास ऑल्सो। सो टिल द डे ऑफ डेथ यू शुड चैंट दिस मंत्रा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट विल हेल्प यू टू नलिफाई योर पास्ट कर्मास। एंड इवन इफ यू फील लाइक कि आपकी जिंदगी में जो आप सफरिंग्स हैं वो पास्ट कर्मास की हैं, एंड आप अपनी हार्ड डिस्क में जो मेमोरीज हैं वो बैड कर्मास की, बैड इमेजेस की, उसको कट करना चाहते हैं, तो चैंट दिस मंत्रा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दिस विल हेल्प यू टू कट ऑल दोज बैड कर्मास, ऑल दोज पास्ट मेमोरीज कर्मास, जो आपसे बार बार गुस्सा, बार बार एंगर, बार बार वो सारी मिस्टेक्स रिपीट कराते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, तो द मंत्रा इज हरि ओम। टू वर्ड्स का ये मंत्रा आपके कर्मास को नलिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा, एंड जो आप न्यू कर्मास क्रिएट करेंगे वो एक गुड एंड पॉजिटिव कर्मास होंगे। सो ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें पूरी जिंदगी, टिल द डे ऑफ योर डेथ वी शुड चैंट दिस मंत्रा, सो दैट आवर कर्मास विल बी गुड एंड सेग्रीगेटेड। वो कहते हैं ना, छन्नी की तरह छनते रहेंगे अगर एवरी डे आप इस मंत्र को चैंट करेंगे। सो बैड कर्मास विल बी गो आउट एंड गुड कर्मा विल बी स्टार्ट स्टोरिंग इन योर ब्रेन, हार्ड डिस्क में आपके छन्नी की तरह स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। यू चैंट दिस डेली, एटलीस्ट चैंट दिस 20 मिनट्स दिस मंत्रा। अगर आपको जिंदगी में भी ऐसा फील हो रहा है कि आप सब कुछ ट्राई करके हार गए हैं एंड आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जस्ट चेंज द हार्ड डिस्क मेमोरी ऑफ योर ब्रेन विद दिस
मंत्रा, चैंट इस मंत्रा 20 मिनट्स। अभी चैंटिंग कैसे करनी है, चैंटिंग ऐसे करनी है कि आप और मैं, यानी आप और आपके इंटरनल कॉन्शियसनेस माइंड एक हो जाए। मंत्र मुग्ध होके चैंटिंग करनी है, इतना डूब के चैंट कीजिए कि डिफरेंस ही नहीं रह जाए कि आप कौन है और आपका अनकॉन्शियस माइंड कहाँ है। सो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना है, लेके आना है, उस तरह से चैंट कीजिए। तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप चैंटिंग, क्लोज योर आइज एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ दिस पावरफुल मंत्रा। जस्ट कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू विल रीच अ लेवल वेयर यू विल बी डीपली कनेक्टेड विद दिस मंत्रा, एंड आप पूरी तरह से ऐसे मंत्र चैंट कर रहे होंगे जैसे आप डांस कर रहे हैं, जैसे आप म्यूजिक इंजॉय कर रहे हैं, वैसा आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो चैंट इट एज मैनी टाइम्स, लिसन इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, दैट इज वेरी पावरफुल मंत्रा। सो यूज दिस मंत्रा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख के बताइएगा आफ्टर यूजिंग दिस मंत्रा हाउ आर यू फीलिंग। आई होप आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। मिलियन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।